हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं अनुपमा। सो गाइस, आज मैंने सोचा कि बहुत टाइम हो गया है, कुछ रिक्रिएशन करते हैं। तो आज मैं करने वाली हूं यामी गौतम का वेडिंग मेकअप लुक। उनकी रिसेंटली अभी शादी हुई है और उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी पिक अपलोड की थी, आप सब ने देखी होगी। वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी बिकॉज उन्होंने बहुत ही सिंपल, सॉफ्ट और सेटल मेकअप किया हुआ है। बहुत ज़्यादा कुछ उन्होंने नहीं किया है, इसलिए वो मुझे तो पर्सनली बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा उनका मेकअप लुक। दैट्स वाई आई थॉट कि उन्हें ट्राई किया जाए इस मेकअप लुक को और आप सबके साथ शेयर किया जाए, बिकॉज बहुत सारे फेस्टिवल्स आने वाले हैं, उसमें आप ये इजी मेकअप लुक ट्राई कर सकते हैं। और साथ ही साथ जिनकी न्यूली मैरिड हुई हो ना, जिनकी नई नई अभी शादी हुई है, जो भी न्यूली मैरिड गर्ल्स हैं, वो भी इस मेकअप लुक को इजीली घर पे अपने ट्राई कर सकती हैं। बहुत ही इजी, क्विक और सिंपल मेकअप है, साथ ही साथ आपका लुक भी बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर देता है। सो यामी गौतम ने रेड कलर की साड़ी ऑप्ट की है, जैसा कि मैंने सुना है कि उन्होंने अपनी मम्मी की साड़ी वेयर की है और अपनी नानी का नथ जो है लेकर के अपनी ब्राइडल लुक को क्रिएट किया है। बट मेरे पास सिमिलर, उससे मिलती जुलती एक साड़ी है, सो मैंने उसी के साथ रिक्रिएशन किया है एंड कुछ जुगाड़ लगाया है, यू नो, ज्वेलरीज वगैरह का। सो चलिए क्विकली वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से मैंने इस मेकअप लुक को रिक्रिएट किया है। लेट्स गेट स्टार्टेड टू द वीडियो। सो गाइज, यामी गौतम के लुक को रिक्रिएट करने के लिए सबसे पहले मैं अपने फेस को प्रेप करूंगी और उसके बाद मैंने अपने मॉइस्चराइज़र में फाउंडेशन को मिक्स करके अच्छी तरीके से अप्लाई कर लिया है। इससे क्या होगा कि आपका फेस बहुत ज़्यादा फ्लॉलेस दिखेगा और आपको डबल लेयरिंग नहीं करनी होगी, सो आपका टाइम भी बच जाएगा। तो यामी गौतम ने जो मेकअप लुक किया है उसमें उन्होंने फाउंडेशन अप्लाई किया है, ज़्यादा फोकस उन्होंने कंसीलर और कॉन्टोरिंग पर की है। कॉन्टोरिंग उन्होंने बहुत ही अच्छे से की है, जिससे कि उनके चिक बोन्स काफ़ी अच्छे से हाईलाइट हो रहे हैं और उन्होंने कोई आई मेकअप और आईब्रोज के ऊपर ज़्यादा वर्क नहीं किया है, वो नेचुरली ब्यूटीफुल लग रहे हैं। सो चलिए क्विकली मेकअप स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आगे मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या किस तरीके से करना है। सो सबसे पहले हमने अपने बेस को क्रिएट कर लेना है। सो फेस को अच्छे तरीके से फाउंडेशन जो है नेक, ईयर्स और फेस पे अप्लाई कर लेना है। इसके बाद मैं लिप बाम अप्लाई कर रही हूँ ताकि लिपस्टिक लगाने से पहले मेरे लिप्स जो हैं वो प्रिपेयर रहें। और अब मैं आईब्रोज़ को आईब्रो पेंसिल से फिल करूँगी। तो यामी गौतम जी ने भी सिर्फ फिलिंग की है, कोई वैक्स और कोई पाउडर जो है अपने आईब्रोज़ पर नहीं अप्लाई किया है। दैट्स वाई आईब्रोज़ नेचुरल ही रखे हैं उन्होंने, तो मैं भी यहाँ पर नेचुरल ही रख रही हूँ। इसके बाद मैं कंसीलर लगाऊंगी अपने आईज एरिया पे और नोज़ पे, क्योंकि नोज़ हाईलाइटिंग पॉइंट से बहुत ही अच्छा रहता है अगर आप वहाँ पे कंसीलर अप्लाई करते हैं तो। अब इसको मैं ब्लेंड कर लूँगी प्रॉपरली और इसके बाद मैं लूज़ पाउडर की हेल्प से अच्छे तरीके से मेकअप को सेट कर लूँगी। और मेकअप को सेट करने के बाद मैं जो है ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से टैप टैप करके जो भी एक्सेस अमाउंट में है ना उसको निकाल लूँगी और इसको अच्छी तरीके से स्किन में अब्जॉर्ब कर लूँगी, ताकि यू नो अलग से कुछ भी ना दिखे और आपका मेकअप एकदम सेट हो जाए। सो इस तरीके से करना है आपको, बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में आपको लूज़ पाउडर वगैरह नहीं अप्लाई करना है। इसके बाद मैं कॉन्टोरिंग अप्लाई कर रही हूँ यहाँ पर और इसको भी ब्लेंड कर लेना है अच्छी तरीके से। सिर्फ आपको चीक्स एरिया पर ही कॉन्टोरिंग करनी है और कहीं पर भी नहीं किया है यामी जी ने, सो दैट्स वाई आई एम डूइंग दिस। एंड अभी मैं पाउडर की हेल्प से इसको भी अच्छे तरीके से सेट कर ले रही हूँ।
सो यहाँ पर मैंने लिप लाइनर से अपने लिप्स को पहले फिल कर लिया है, इसके बाद मैं लिपस्टिक अप्लाई करूँगी, लेकिन उसके पहले हेयर स्टाइल बनाना है। तो हेयर स्टाइल उन्होंने काफ़ी यू नो टाइट सा बन बनाया है और बीच की मांग निकाल करके, तो वैसे ही मैंने लुक ट्राई करने का कोशिश किया है। सो मैं बन बना ले रही हूँ पीछे इस तरीके से।